बहुत धन्यवाद रजित जी। तो देखिए, दुनिया के ताकतवर नेताओं की नई रेटिंग आई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई है। मोदी के यूरोप दौरे की शुरुआत होने के बाद आई ये पहली रेटिंग है और ये पहले से ज्यादा है। इस रेटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के नेता मोदी से बहुत पीछे हैं। मोदी के नंबर वन बनने का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में हुआ है। वहां बहस खत्म ही नहीं हो रही है। सबसे पहले देखिए कि पीएम मोदी की नई रेटिंग क्या है और पाकिस्तान से इस खबर पर क्या रिएक्शन आया है। इंटरनेशनल मीडिया में एक डिस्कशन है, हिंदुस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना, उनकी खुददार पॉलिसी रही, उनकी रिस्पेक्ट थी दुनिया में, रही ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी। तो भिखारीपन को दूर करने का फार्मूला क्या है? आज हम कहां खड़े हैं? आज हमारी आवाज कोई सुनने वाला है? इंडिया जारी बात है इस खत्ते में एक बड़े प्लेयर के तौर पे इमर्ज किया। पाकिस्तान नहीं है, हम कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप दौरे से लौटे तो उनकी रेटिंग और हाई हो गई। वर्ल्ड लीडर्स की रेटिंग जब पाकिस्तान पहुंची तो इस्लामाबाद में खौफ हाई होने लगा, पैनिक बढ़ गया। मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के सामने अमेरिका समेत कई ताकतवर देशों के लीडर पीछे छूट गए। इंडिया का पावरफुल अवतार देखकर इस्लामाबाद बहुत डरा हुआ है। भारत जो है वो बहुत आगे जा चुका है। देखिए, क्वाड जैसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। इंडिया के अपने बायलैटरल ताल्लुकात बहुत ज्यादा मुमालिक के साथ बड़े पैमाने पर एस्टैब्लिश कर चुके हैं और पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में कंप्लेंट्स करता रहा, आपस में लड़ता झगड़ता रहा। फिर हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फिर हमने 15 साल ये दहशतगर्दी की जंग में जो हम रहे मसरूफ रहे, इंडिया उस वक्त ग्रो कर रहा था। सो मामलात हमारे और उनके बड़े डिफरेंट हो गए और अबव ऑल इंडिया ने ये एक चीज कर ली है कि उन्होंने थर्ड पार्टी जो इन्वॉल्वमेंट थी साउथ एशिया में उसको उन्होंने ऑलमोस्ट जो वो बैन हो गए हैं। कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है। बार बार ये कहूंगा, द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग। और जो कि सबसे बड़ा खतरनाक एक एलिमेंट आपके लिए है कि आपको दुनिया देख रही है और आपने हमेशा दुनिया को दो चार चीजें बताई हैं, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन एंड द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर। ये दो चीजें दुनिया को मजबूर करती हैं कि आपको बार बार देखा जाए। पीएम मोदी से पाकिस्तान के डर की कंप्लीट स्टोरी जान लीजिए। पीएम मोदी एक सर्वे में ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर है। मोदी को कुल 77% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पाकिस्तान हैरान है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख भी इस लिस्ट में मोदी से पीछे हैं। ये रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। मोदी के यूरोप दौरे के बाद सामने आई रेटिंग का असर पाकिस्तान में दिख रहा है। वहां हर तरफ मोदी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ हो रही है। लेटेस्ट डर यह है कि अब इंडिया की वर्ल्ड पावर और बढ़ने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर आवाम तक सबको मोदी फोबिया हो गया है। कल को कोई पता नहीं है अमेरिका और रूस फिर किसी मामले में इकट्ठे हो जाए। और सर, एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहाल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट जी। चाइना नहीं करता, विच आई अंडरस्टैंड। इंडिया जो है ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल बिजनेस में, आईटी में, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं हमसे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया का बहुत बड़ी इकानमी है, देखा जाए तो जितनी भी फील्ड्स हैं हमारी, स्पेशली आईटी और बिजनेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि एज अ नेशन उनके लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है और एज अ पाकिस्तानी नेशन हमें उन चीज़ इस चीज़ को देख के लर्न करना चाहिए। वो अगर हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो बड़े अच्छे हमारे उस पर इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। हम लोग इंडिया या फिर बाकी जो हमारी सराउंडिंग में कंट्रीज हैं उनसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। पाकिस्तान के चौक चौराहों पर वहां के लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद के न्यूज चैनलों पर डिस्कशन हो या खबरें, उनमें इंडिया का टॉपिक कॉमन रहता है। बाकी सब छोड़िए, हिंदुस्तान को दुश्मन मानने वाले एक्स वजीर आजम भी इंडिया की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की पोजीशन एक ही होनी चाहिए,
हमें कभी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बना, उनकी खुददार पॉलिसी रही, उनकी रिस्पेक्ट थी दुनिया में, रही ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी। हमने जो ये जो आखिर में ये जो वॉर ऑन टेरर में हमने आपकी जो अपने जो जलील जिल्लत कमाई है, लोग भी मरवाए, मुल्क को भी नुकसान करवाया और जिल्लत भी मिली। पाकिस्तानी के हरे पासपोर्ट से पूछे भरे उन्होंने, पाकिस्तानी अलग लाइनों में खड़े करते थे। हमें मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड कर दिया। इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल इसकी और... तारीफ ही तो उन्होंने की है। और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त ये इमरान खान ने कहा है। मोदी के हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना एक मकाम बनाया है, इसकी ताकत देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। शहबाज शरीफ आजकल अमेरिका के साथ रिलेशन रफू करने में लगे हैं, कोशिश पूरी की पर सक्सेस नहीं मिल रही। पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात जो हैं वो रिपेयर करने में बहुत टाइम लगेगा। एक तो ये है कि इंडिया जाहिर बात है इस खित्ते में एक बड़े प्लेयर के तौर पे इमर्ज किया और हमें बहुत सारी रियलिटीज को एक्सेप्ट करना है, हमें अच्छी लगे या बुरी लगे। अफगानिस्तान वो मुल्क है जहां पे दुनिया का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आपने अपने आप को कैसे मार्केट करना है? आप एंटी अमेरिकनिज्म पे तो मार्केट नहीं कर सकते। चाइना आपको सब कुछ एक टेबल पे ला के नहीं देता जो हम चाइना से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। मोदी कभी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिखते हैं तो कभी जर्मनी के चांसलर से मिलकर स्ट्रेटजी बनाते हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी खुद दिल्ली पहुंचकर मोदी से इंडिया का साथ मांगते हैं। अब पाकिस्तान को लगता है कि वो मोदी के चक्रव्यूह में फंस गया है। पाकिस्तान को दुनिया के ज्यादातर देश मोदी की फ्रेंड लिस्ट में दिखते हैं। शहबाज शरीफ को अपने सदाबहार दोस्त जिनपिंग से उम्मीदें हैं, पर चीन ने भी पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने उनसे पूछा है कि जनाब सी पैक का क्या मुस्तकबिल है, उन्होंने कहा कि सी पैक को इतना नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं जनाब साबिक प्राइम मिनिस्टर कि उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। और उन्होंने जो वाकया बताया वो उससे ज्यादा खतरनाक है कि हमने इनसे अपील की थी कि चीनी प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के विजिट पर आना चाह रहे हैं तो आप कम अज कम चार दिन के लिए उठ जाए। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। सी पैक जो है इसके बारे में पहले तो एक नेशनल कंसेंसस था ये कि ये पाकिस्तान के लिए एक विसल ब्लोअर है, पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर देगा ये, इसके ऊपर सारा कंसेंसस था सबके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आया, उन्होंने हर माहदे के एंड पर एक यानी शिक डाली हुई है कि आप इस माहदे की डिटेल किसी को रिवील नहीं करेंगे। हमारे अजीम इकोनॉमिक अरिस्टोटल असद उमर साहब जाके वो सारी डिटेल आईएमएफ को दे आए थे, क्योंकि आईएमएफ ने ये कहा था कि अगर आप ये हमें डिटेल नहीं बताएंगे तो हम आपको अगला जो किस्त है लोन की वरी देंगे। मैं रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, हवा में नहीं है ये। उसके नतीजे में जो 16 इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाने थे और 16 हमने बनाने थे उसकी एक ईंट नहीं रखी गई अब तक। आप कहते हैं नुकसान नहीं हुआ, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सी पैक टोटल कोल्ड स्टोरेज में है, फ्रीजर में है और चाइनीज बहुत अपसेट हैं। पिछली हुकूमत ने बड़ा खास काम किया, करम किया अपने लिए कि उन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया, पाकिस्तान के लिए नुकसान किया उन्होंने, कि अब उन्होंने कहा कि सी पैक को रवा करने का मतलब है बहुत ही अनथक मेहनत और कोशिश। पाकिस्तान में डिस्कशन का एक ही टॉपिक है, मोदी की फॉरेन पॉलिसी वर्सेज शहबाज की विदेश नीति। अब पाकिस्तान के नए वजीर आजम की डिप्लोमेसी की लेटेस्ट स्टोरी सुनिए और खुद डिसाइड करिए कि शहबाज शरीफ को थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाला ट्रीटमेंट क्यों मिला। वन शुड बी ओपन सर, कम से कम कोई थोड़ा जरूरतमंदाना कोई स्टेटमेंट तो हम दे दें कि हम आगे करना क्या चाह रहे हैं। इतनी बड़ी फौज कश्मीर को हम अपनी शहरक कहते हैं, हालात ये हैं कि सरहद के उस पार बहुत कुछ हो रहा है और यहाँ सिर्फ एहतजाज एहतजाज और एहतजाज बस। देखिए इससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकेगा, और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुक्मरान जमाते हैं उसमें मरियम औरंगज़ेब साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, अजमा बुखारी, कुछ और लोग बड़े पेश पेश थे और हर वक्त सुबह दोपहर शाम ये होता था कश्मीर इन्होंने भेज दिया। उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम जो हैं अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर एक ये है कि आईएमएफ ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला है? ओआईसी में हमारा
हमने कितना चीखा कि जी इंडिया को ना बोला है मुत्तहिदा अरब अमारात में जब ओआईसी की काउंसिल के तौर पे बुलाया गया जी, लेकिन वो खातून आ गई तो लिहाजा हमें बताए हैं कि तो गलतियां होंगी, कमजोरियां होंगी, लेकिन कमजोरियों से लोग सीखते हैं, लेकिन कोई तो छोड़े। पाकिस्तान का फेवरेट टॉपिक कश्मीर भी अब ऑफ लिमिट हो गया है। पूरी सिचुएशन देखकर पाकिस्तानी सरकार को चक्कर आ रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में इमरान खान के डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं। इमरान खान पिछले 4 सालों से अवाम को इंडियन ड्रीम दिखा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान रशिया से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद? हिंदुस्तान को उनको स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का हिस्सा है। हमें तो वो तीन में ना तेरह में हमें हुक्म दे रहे हैं कि उनसे ना 30% कम पे तेल मिल रहा था, 30% कम पे 20 लाख टन गंदम हमने खरीदनी थी, वो हमें सस्ती मिल रही थी। इमरान खान की पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी और इंडिया के इर्द गिर्द घूमती है। वो पाकिस्तानी अवाम को इंडिया का ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनता को वादों का लॉलीपॉप नहीं बल्कि हिंदुस्तान जैसा विकास चाहिए। हमें इस पर शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि हम बेशक इंडिया हमारा राइवल है, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में, मैनेजमेंट की फील्ड्स में हमसे आगे जा रहा है तो हमें ज़रूर उनसे सीखना चाहिए। उन्होंने अपने मुल्क को चलाने के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं और उसके पीछे बिल्कुल अच्छी पॉलिसी बनाई है और उसके पीछे उसकी कुछ वजूहत भी है। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है इंडिया से हम अपना कंपेरिजन जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, हालांकि एक साथ अलग हुए हैं हम इंडिया से और आज वो इतना आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल भी हम अपना कंपैरिजन हम किसी फील्ड में भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो भी उनका एक जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनका सारा कुछ अच्छा है, और उधर जिस तरह आप आईटी हाउसेस उधर देख लें वो इवन पॉलिसी के ऊपर समझ रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसी है, आपने किस तरह अपना घर को टैकल करना है, किस तरह अपने मामला को चलाना है, वो आप अपने नज़रिए से लेकर चलेंगे। सारी मोबाइल कंपनीज एप्पल सैमसंग वगैरह उधर अपना प्लांट लगा चुके हैं, तो वो इसी वजह से एक तो उधर मार्केट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड ये बिल्कुल नहीं है, इंडस्ट्री को सपोर्ट, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, स्वी गैस के मसले हैं, तो आई थिंक सो कि इंडिया जो है फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी और उसकी फील्ड में भी आगे जा रहा है। दुनिया इंडिया के साथ है, ताकतवर देशों को भी पीएम मोदी से उम्मीदें हैं। ये देखकर पाकिस्तान की आवाम भारी कंफ्यूजन में है। आजाद होने के 75 साल बाद भी ये मुल्क डिसाइड नहीं कर पाया कि वो बनना क्या चाहता है, यानी कंफ्यूजन सिर्फ पॉलिसी में नहीं बल्कि सोच में भी है। हमारे यहां देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम तुर्किश हो जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने मैंने एक दिन देखा लाहौर के अंदर बार बार पाकिस्तान, मैं क्या पाकिस्तान केड़ा है भाई, केड़ा मुल्क आया है? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हो गए हैं, हम पाकिस्तान नहीं रहे। मैंने कहा वो क्यों? कि जी अरबी में पे नहीं है तो वो बे है। तो ये हमारा हाल है यार, रहते आप यहां हैं, आप अपने आप को अरब मानते हैं, अरब आपको वो क्या कहते हैं, मस्कीन समझते हैं, मस्कीन समझते हैं। हमारी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है ना। जितने भी मुलाकातें इंडिया के अंदर हुई हैं, या इंडिया अमेरिका, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया जापान, और अभी इधर जो बाकी वो करके आए हैं, वो पाकिस्तान का जिक्र बड़े अच्छे कोई अच्छे अल्फाज से नहीं कर रहे और पाकिस्तान को वो मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो सबसे आखिरी पॉइंट पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए वो अपने ताल्लुकात वेस्ट के साथ, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के साथ रिपेयर करने चाहिए, फिर आगे कुछ और सोचना चाहिए। कुल मिलाकर मोदी की हाई रेटिंग का ग्लोबल असर पाकिस्तान में पैनिक की वजह है, ये तो शुरुआत है। मोदी जितना आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान का रोना भी नॉन स्टॉप चलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।